नमस्कार आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्य शिंदे आपका स्वागत करती हूँ नजर डालते है नागपुर की विविध हलचल पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र भेजकर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए बाध्यकारी तरीकों के बजाय एक सुलह के दृष्टिकोण के साथ एक साल की लीन अवधि का आग्रह किया है वही समुचित विकल्प करने और एक राष्ट्रव्यापी वृहत जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु अधिकारियों और स्टॉक होल्डर्स की एक संयुक्त समिति निर्माण इकाइयों के लिए अपने व्यवसाय को अन्य विकल्पों में बदलने के लिए सरकार की एक नीति तैयार करने का आग्रह किया है बेरोजगारी न फैले तथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के स्तर पर हर हालत में सिंगल यूज प्लास्टिक न उपयोग करने पर बाध्य करने जैसे कदमों को उठाने का आग्रह भी कैट प्रतिनिधिमंडल ने किया है कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने यादव को भेजे पत्र में कहा कि चूंकि यह परिवर्तन की अवधि है इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो यह चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए गंभीर पहलू की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार का, का काम नीति बनाना और आदेशों को लागू करना है जिससे लक्ष्य को हासिल किया जा सके लेकिन इसके लिए एक व्यापक सहयोग और भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाने की भी आवश्यकता है इंद्र भवन में नवनिर्वाचित सांसद डॉ अनिल बोंडे का सत्कार कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन महासमिति महाराष्ट्र महासभा विदर्भ एवं अन्य संस्था तथा सकल जैन समाज नागपुर द्वारा आयोजित किया गया सत्कार कार्यक्रम के अध्यक्ष संतोष जैन पेंडारी राष्ट्रीय महामंत्री दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा कमेटी के प्रमुख अतिथि अभय कुमार पनवेलकर कार्या महासमिति मनीष मेहता अमर स्वरूप फाउंडेशन संयोजक सतीश पें्ढारी अध्यक्ष दिगंबर जैन सेनगंड मंदिर आयोजक श्री दिगंबर जैन, जैन महासमिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष नितिन नखाते महामंत्री दिलीप सावलकर दिगंबर जैन महासभा विदर्भ अध्यक्ष सुरेश आगरेकर महामंत्री दिलीप राखे एवं सकल जैन समाज नागपुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ सत्कार के उत्तर में सांसद डॉक्टर मुंडे ने कृषि दिन के उपलक्ष्य में सम्मान के जाने पर आभार मानते हुए कहा कि कृषि के संबंध में अच्छा कार्य सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है लोग चाहते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है किसानों का सुख दुख बांट लेना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ मुझसे सीधा संपर्क करने में कोई भी संकोच ना करे मैं अक्सर नागठाना में आचार्य सुधीर सागर जी का हमेशा आशीर्वाद लेने जाता हूँ वैसे ही आचार्य विद्यासागर जी का भी आशीर्वाद लेने जाता हूँ उनके द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त होते रहते हैं हथकरघा पूर्णायु आयुर्वेद प्राकृतिक खेती आदि राष्ट्रीय कार्य में भी उनका योगदान रहता है इस आशय के विचार डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किए हुड़केश्वर सालई कालडोंगरी रोड स्थित एम एल मानकर शिक्षण संस्था द्वारा संचालित स्वर्गीय एम एल मानकर शाला के गुरुकुल परिसर के छात्रों ने क्रीड़ा शिक्षक चंद्रकांत तारेकर के मार्गदर्शन में अमृतसर में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 में सफलता प्राप्त की जिसमें कक्षा पांचवी के नैतिक फटिंग ने स्वर्ण पदक तथा संदेश मोहन ने कांस्य पदक हासिल किया शाला संचालिका डॉक्टर अपेक्षा मानकर गोतमारे और मुख्याध्यापक अमोल भोंगाड़े ने इस सफलता के लिए छात्रों का अभिनंदन किया अज्ञानी अज्ञान की उपासना और ज्ञानी ज्ञान की उपासना करते हैं यह उद्गार चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव के अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य प्रशम सागर जी गुरुदेव ने रविवार सुबह मोठे मंदिर के इंद्र भवन में अपने उद्बोधन में कहा स्वयं की बाधाएं अस्तित्व गुण को पहचानने नहीं देती धर्म की क्रिया भिन्न है और धर्म अलग है प्रारंभिक अवस्था में धर्म क्रिया ही धर्म की साधना है गेट पर मत अटक जाओ चैत्य चैत्यालय में है देह धर्म नहीं है लेकिन देह के बिना धर्म भी नहीं हो सकता हम अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकारते इसलिए हमें दुख है आत्मा की पूर्णता होती है उसे परमात्मा कहते हैं। अभाव अभाव का का अभाव नहीं होता का अभाव होता है। पाषाण से बनी हुई मूर्ति को दिगंबर मुनि मंत्र देकर उसे भगवान बनाते हैं घर छोड़ना बहुत सरल है पर अंदर से घर छोड़ना बहुत कठिन है कर्म से टकराकर नीच को पाना बहुत कठिन है जिसके पास जो होता है वो वही देख सकता है अपने अपने स्वभाव को पहचाने आचार्य श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव के अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य साध्य सागर जी गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक विहीन दिवस पर आसमान फाउंडेशन एवं समाज विकास कृति समिति के तत्वाधान में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ महाल स्थित छत्रपति विद्यालय जूनियर कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ कार्यक्रम में मंच पर रायपुर की राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर शुभांगी आप्टे धर्मपेट महिला मल्टी स्टेट सोसायटी के उपाध्यक्ष सारिका से कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा नागपुर जिला पं संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र घाटे समाज विकास कृति समिति के अध्यक्ष रमेश गिरहे, प्रोफेसर विलास कोरडे एवं संस्था अध्यक्ष रवि गिरहे उपस्थित थे अपने प्रस्ताविक भाषण में गिरहे ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया और प्लास्टिक विरोधी अभियान की जानकारी दी प्रोफेसर केरडे ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान शाले विद्यार्थियों के माध्यम से करने की सलाह दी इसी तरह सतीजा ने कहा कि प्लास्टिक के विरोध की शुरुआत पहले अपने घर से हो यह दरअसल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने संबोधन में आप्टे ने प्लास्टिक के विरोध में पिछले दस वर्षों से किए जा रहे कार्यो की समुचित जानकारी दी साथ ही साथ अभियान के संदर्भ में सामूहिक रूप से सभी उपस्थितों को शपथ भी दिलाई एवं रायपुर से लाए गए कपड़े की थैलियों का भी वितरण किया गया कार्यक्रम का संचालन रवि गृह ने किया कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत भाजपा जैन प्रकोष्ठ के सहकार्य से प्रदेश प्रमुख संदीप भंडारी के नेतृत्व में भाजपा नागपुर शहर के अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके के सहमति से तथा महाराष्ट्र महिला प्रमुख ईशा को लेकर प्रदेश महामंत्री प्रशांत मानेकर जैन के सहयोग से तथा भारतीय जैन संगठना सेंट्रल लेडीज विंग और भाजपा जैन प्रकोष्ठ महिला शाखा नागपुर के संयुक्त तत्वाधान से एक व मुफ्त कैंसर जांच शिविर अरिहंत हॉस्पिटल के प्रांगण में आयोजित किया गया शिविर का उद्घाटन सुषमा निखिल कुसुमगर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा नीता ठाकरे ने किया अतिथि के रूप में भारतीय जन संगठना के रजनीश जैन आनंद ओस्तवाल दिनेश सावलकर संजय घाटोले थे प्रमुख उपस्थिति सुभाष कोटेजा प्रफुल्ल खिमंसरा, पवन खाबिया गौरव झामबट जैन प्रकोष्ठ प्रमुख मनोज गिल्लरकर संजय टक्का मोरे केतन सेठिया उमेश पुलंबरकर जितेंद्र थेरे अवनी बधानी अर्चना झवेरी ने की इस कार्यक्रम की प्रस्तावना भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के महामंत्री प्रशांत मानेकर जैन ने दी कार्यक्रम का संचालन अश्विनी गुंदेचा ने किया आभार प्रदर्शन भाजपा जैन प्रकोष्ठ महिला शहर प्रमुख एडवोकेट प्रीति राका ने किया इस शिविर का अस्सी से अधिक लोगों ने लाभ लिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूजा तातेड़ और भक्ति शाह ने प्रमुख भूमिका निभाई राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मंगलवार सुबह दस बजे प्रथम नगर आगमन हो रहा है शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके तथा पूर्व महापौर संदीप जोशी ने स्वागत की तैयारियों के लिए रविवार को कई बैठकें आयोजित करके पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी दटके ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे हवाई अड्डे से अगवानी करने के बाद फडनवीस हेड़गेवार चौक पर स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उसके बाद नेताओं तथा तो कार्यकर्ताओं के साथ हेड़गेवार चौक से त्रिकोणी पार्क रामदास पेट तक स्कूटर तथा तो कार रैली का आयोजन किया गया है इस मार्ग में आने वाले सभी चौक रास्तों पर विशेषकर छत्रपति चौक प्रताप नगर चौक लक्ष्मी भवन चौक पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य सत्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट चंदन गोस्वामी ने बताया कि रैली में फडणवीस के साथ प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे पूर्व सांसद अजय संचेती विधायक प्रवीण दटके कृष्णा खोपड़े मोहन मते विकास कुंभारे रामदास आंबटकर समीर मेघे टेकचंद सावरकर प्रदेश विदर्भ के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे प्रदेश सचिव धर्मपाल मेशराम उपस्थित रहेंगे रैली में नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने किया है दादी सेना व श्री रानी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री रानी धाम मंदिर नंदनवन में 8 व 9 जुलाई को चरण पादुका महोत्सव व वार्षिक उत्सव का, का आयोजन किया गया है ट्रस्ट के अध्यक्षता रमा खेमका ने बताया कि शुक्रवार 8 जुलाई को सुबह नौ बजे गायत्री मंदिर जगनाड़े चौक नंदनवन से शोभा यात्रा सुबह ग्यारह बजे चरण पादुका का महाभिषेक सभी दादी भक्तों की ओर से किया जाएगा शाम को चार बजे से भजन संध्या होगी शनिवार नौ जुलाई को सुबह नौ बजे दादी जी का महामंगल पाठ सूरत की गायिका सुरभि बिरजू का द्वारा होली उत्सव होगा पुनः शाम को चार बजे दादी भक्तों के लिए भजन संध्या होगी जयपुर की मंजू शर्मा कोलकाता के संजय शर्मा एवं ज्योति खन्ना नागपुर के उज्जवल खकोलिया तथा कुमार योगेश सुमधुर भजनों की प्रस्तुति करेंगे सभी भक्तों में कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की गई है एक तरफ मध्य प्रदेश शासन जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसका प्रशिक्षण व तकनीकी ज्ञान देने वाले संस्थान को केंद्रीय कृषि विभाग ने जबलपुर से हटाकर नागपुर में शिफ्ट कर दिया है एक आदेश जारी कर करीब चौतीस साल पुराने मध्य भारत के एकमात्र क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र को नागपुर के केंद्र में मर्ज कर दिया गया है स्थानीय कृषि संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है जबलपुर में इस संस्थान की स्थापना लगभग उन्नीस में हुई थी तब से यह केंद्र विजयनगर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में किराए की इमारत से संचालित हो रहा था संस्थान की तरफ से कई बार विस्तार के लिए प्रशासन से दो एकड़ भूमि की मांग की गई लेकिन ये जमीन नहीं मिली जैविक खेती की गुणवत्ता की जांच के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर क्वालिटी टेस्टिंग जैविक खेती प्रेक्षण प्रदर्शन किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कृषि विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक खेती को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में ये कार्यालय सहयोग करता है सभी योजनाओं पर निगरानी रखने का काम भी यही संस्थान करता है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने से भले ही उनके गृहनगर व जिले में वैसा उत्साह नहीं है जैसा उनके सीएम बनने पर था लेकिन अब ये इंतजार हो रहा है कि जिले को कितने मंत्री शिंदे फडणवीस सरकार में मिलने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में जिले के ऊर्जा मंत्री और पशु संवर्धन मंत्री के रूप में नितिन राउत और सुनील केदार दो मंत्री मिले थे उसके पूर्व भाजपा सेना युति सरकार में सरकार के मुखिया यानी सीएम फडणवीस थे और चंद्रशेखर बावनकुले ऊर्जा मंत्री थे अब शहर व जिला भाजपा के साथ ही यहाँ के लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है कि इस नई सरकार में सिटी सहित जिले को कितने मंत्री मिल सकते हैं कहा तो ये तक जा रहा है कि फडणवीस अब नया चेहरा दे सकते हैं लेकिन वो चेहरा कौन होगा इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं ये तो सर्वविदित है कि जो जिले से मंत्री बनेगा वही यहाँ का पालक मंत्री होगा कुछ कह रहा है कि उपमुख्यमंत्री फडणवीस ही पालक मंत्री रहे तो जिले का अधिक कल्याण होगा क्योंकि वो विकास नहीं दिलाने में कंजूसी नहीं करते लेकिन अगर कोई दूसरा मंत्री बना तो वो उसे यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं उत्तर नागपुर स्थित आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय का साठवा स्थापना दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यज्ञ हवन के साथ साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ जिसमें संस्था के समस्त पदाधिकारियों व अध्यापिकाओं ने भाग लिया दीप प्रज्वलित करके जोत से जोत जगाते चलो का गीत का मधुर गायन किया गया दयानंद आर्य कन्या विद्यालय सफलताओं और उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए 60 वर्ष पूर्ण कर इकसठवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है स्थापना दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल एवं एवं मीरा झारानी के अथक प्रयासों से एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री सिफर से शिखर तक का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें आर्य विद्या सभा के समस्त कर्मठ पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से चल रही पाठशाला का प्रारंभ अब तक का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया वर्तमान परिपेक्ष में मोबाइल के अनचाहे प्रयोग को रोकने और शारीरिक खेलों की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए मिडिल स्कूल की छात्राओं द्वारा सुंदर प्रेरक नृत्य प्रस्तुत किया गया विद्यालय के हरित क्रांति डिपार्टमेंट की ओर से इकसठ वर्षो के स्वर्णिम काल को यादगार बनाने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण रोकने व पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाने के लिए इकसठ वृक्षों का बीजारोपण किया गया बांग्लादेश भिक्षु संघ के प्रमुख अट्ठानवे वर्षीय भदंत ज्ञानश्री महाथेरो ने भदंत बोधी मित्र महाअस्थिवीद तथा बांग्लादेशी भिक्षु संघ के साथ नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि को भेंट दी यहां उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अस्थि कलश पर मध्यवर्ती स्तूप में पुष्प अर्पित किए इसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया मोमबत्तिया और अगरबत्ती जलाई और बौद्ध विधि का पाठ किया स्मारक समिति की ओर से डॉक्टर ज्ञानेश्वरी महाथेरो को पुष्पगुच्छ शॉल सुखा मेवा फलदान आदि प्रदान कर धम्मदान समिति के ट्रस्टी विलास गजघाटे ने उनका सत्कार किया डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वरी मेहरे ने उनका सत्कार किया इस अवसर पर भदंत सुगत बोधि भदंत प्रज्ञानंद भंते मेतानंद प्रवन शेलारे दीक्षित आवले शरद मेश्राम प्रमोद गेणा सतीश राम टेके थूल अर्पित पाटिल देवा रंगारी मधु मेश्राम सहित बड़ी संख्या में भिक्षु संघ उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे संभाग आयुक्त कार्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के नागपुर संभाग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाता है और नागरिकों के साथ साथ कार्यालय को भी लाभान्वित करता है कार्य को सटीक और गतिमान बनाने के लिए कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है सूचना संचालक हेमराज बागुल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नागपुर सुधार प्रन्यास के मुख्य लेखाधिकारी कपिल पगार अपर कोषाकार अधिकारी प्रशांत गोसेवाड़े प्रशिक्षक रविन्द्र भालेराव प्रदीप देश जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टाके माध्यम समन्वयक अनिल गडेकर आदि उपस्थित थे कुंबेजकर ने कहा कि यदि स्थापना और लेखा मामलों से निपटने वाले कर्मचारी को इस संबंध में ज्ञान नहीं या अपर्याप्त ज्ञान है तो संबंधित कार्यालय के प्रमुख को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है प्रशासनिक कार्यों में भी चूक होती है ऐसी गलतियों से बचने के लिए कार्यालय के प्रमुख को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देकर कार्यालय के काम में प्रशिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए नगर की सेवा भावी संस्था समर्पण सेवा समिति ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों की मदद करते हुए उन्हें स्वयं रोजगार हेतु सिलाई मशीन वितरित की संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने बताया कि गरीब महिलाओं एवं कोरोना काल में हुए बेरोजगार लोगों को संस्था द्वारा सिलाई मशीन दी गई जिससे वे स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष गिरीश व्यास सचिन नरेश जुम्मानी संस्था के पालक रमेश जसोरे कार्याध्यक्ष सतीश जैन राजेश जिंदल उमेश महतो रवि रंजन चौधरी डॉक्टर सुनीता मेघलानी डॉक्टर शिरीष चांडक अनिल वंजारी डॉक्टर अंकुश वंजारी अनिकेत वंजारी महेंद्र राउत मनोज तिवारी महेंद्र गुप्ता दिनेश मोतियानी जितेश सोहनदानी ललित चेलानी महेश बालानी विपुल तना नामदेव ठाकरे नरेश दमाई कृपाल सिंह अनिल शर्मा प्रवीण जुम्मानी मोनू पाठक गौरव उमाटे अक्षय नांदेकर अशोक बंब, विक्रांत जैन पप्पी जैन आदि कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित थे कार्यक्रम का मंच संचालन नरेश जुमानी ने किया एवं आभार महेंद्र गुप्ता ने माना महाराष्ट्र में कृषि क्रांति के अग्रदूत और पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाई की जयंती विद्युत भवन में महावितरण के क्षेत्रीय कार्यालय में मनाई गई इस अवसर पर नागपुर रेंज के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगानी ने वसंतराव नाइक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के महाप्रबंधक शरद दाहेदार अधीक्षण अभियंता हरीश गजबे अविनाश सहारे अजय खोबरागड़े उप महाप्रबंधक प्रमोद खुले उप महाप्रबंधक रूपेश देशमुख सहायक महाप्रबंधक प्रदीप सातपुते अधिशासी अभियंता समीर शेंद्रे मंजूषा आड़े प्रज्वला किरानके उप विधि अधिकारी डॉक्टर संदीप केने वरिष्ठ प्रबंधक अशोक पोइनकर उप मुख्या औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लाहे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के, केंद्री के निर्देशानुसार बसपा में 50 प्रतिशत युवाओं को अवसर दिया जाना सुनिश्चित हुआ है इस निर्देशानुसार नागपुर जिला बसपा के उपाध्यक्ष के बतौर युवा कार्यकर्ता अमित सिंह का हाल ही में चयन किया गया है घोषणा बसपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ प्रमोद रैना नितिन सिंह एडवोकेट सुनील डोंगरे व प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने ने मुंबई में की उनकी नियुक्ति पर प्रदेश बसपा के सचिव रंजना ढोरे प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े जिलाध्यक्ष संदीप मेशराम शीतल नाइक अभिलेश वाहने महेश सहारे संजय जायसवाल चंद्रशेखर कामले नितिन वंजारी गौतम पाटिल राजू चांदेकर विलास सोम कुमार योगेश लांजेवार जगदीप गजबीए आदि ने उनका अभिनंदन किया जिला परिषद की शालाओं में 700 शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पिछली आम सभा में मानधन पर शिक्षकों की भर्ती की मांग सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने उठाई थी मानधन देने के लिए निधि की थी कुछ सदस्यों ने जिले के ग्रामीण भागों में स्थित उद्योगों से सीएसआर फंड की व्यवस्था कर इसके लिए उपयोग करने का सुझाव भी दिया था लेकिन समस्या की बैठक में सभापति भारती पाटिल ने सत्रह सामूहिक विकास निधि से प्रत्येक सदस्य के हिस्से का दो दो लाख रुपए इस मद हेतु खर्च करने का निर्णय लिया है बताते चले कि हर जिला परिषद सदस्य को इस निधि से दस दस लाख रुपए देने का प्रावधान बजट में किया गया है लेकिन भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के मानधन के लिए अब प्रत्येक सदस्य के हिस्से से दो दो लाख रुपयों की कटौती की जाएगी हालांकि समिति के इस निर्णय का विपक्ष के सदस्य विरोध कर रहे है बताते चले कि कॉन्ट्रैक्ट पर पहले चरण में 50 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया था अनेक ऐसी शालाएं हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है तो कुछ शालाओं में विषयों के शिक्षक नहीं है जिसके चलते विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर विरित प्रभाव पड़ रहा है महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बागी गुट की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की बड़ी चुनौती है शहर के ओबीसी नेताओं ने फडनवीस को वह चुनौती याद दिला दी है जो कि उन्होंने पिछले साल 26 जून को उद्धव ठाकरे को दी थी उन्होंने कहा था कि अगर वो भाजपा को सत्ता दे देते हैं तो चार महीने के अंदर निकाय चुनाव में सत्ताईस फीसदी ओबीसी रिजर्वेशन लागू कराकर दिखा देंगे विराटी चौक में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के पूर्व नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने यह तक कह दिया था कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके गए ओबीसी रिजर्वेशन को वापस न लाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई से इस केस को सुनाने का फैसला किया है इस लिहाज से अब उनके पास 10 दिन और बचे हैं। फडणवीस ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी जयंत बांटिया की अगुवाई वाली ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट की प्रोग्रेस पर चर्चा की गई और अधिकारियों से कहा गया कि जहां भी कोई कमी है उसे पूरा किया जाए ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी चाहिए शास्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित जवाहर गुरुकुल इंग्लिश स्कूल नंदनवन में छात्रों के शाला प्रवेश के अवसर पर अनोखा प्रवेश योग कार्यक्रम आयोजित किया गया जवाहर इंग्लिश स्कूल केवल शाला न होकर संस्कारों का केंद्र है यह इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दिया एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीने की अपेक्षा एक व्यक्तित्व के रूप में जीवन जिए क्योंकि व्यक्ति तो कभी न कभी अस्तित्वहीन हो जाएगा किंतु व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है इन विचारों के साथ यज्ञ पूजा कर छात्रों ने बुरे विचारों की आहुति देकर उत्कृष्ट विद्यार्थी बनने की शपथ ली कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के बतौर डॉक्टर वी की रुखवानी डॉक्टर राकेश कृपलानी अनुपमा कृपलानी शास्त्रीय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अशोक मानकर ने मौलिक मार्गदर्शन किया प्रस्तावित जवाहर गुरुकुल इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य संजय रक्षी ने किया संचालन पुष्करणी रक्षी ने किया इस कार्यक्रम में संस्था सचिव डॉक्टर दिलीप जी सेन्हा सदस्य प्रगति मानकर संचालिका अंकिता मानकर वैद्य स्वर्गीय एम एल मानकर गुरुकुल इंग्लिश स्कूल की संचालिका अपेक्षा मानकर गोतमारे प्राचार्य अमोल भोंगाड़े जवाहर गुरुकुल विद्यालय के मुख्याध्यापक माधव मेटांगे जवाहर गुरुकुल उच्च प्राथमिक शाला के मुख्य अध्यापक संजय निम्बालकर जवाहर गुरुकुल इंग्लिश स्कूल के उप प्राचार्य कांचन तिवारी पालकगण सहयोगी शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा टीका दोपहर दो, दो बजे तक दिया जाएगा टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है तो नागपुर हलचल में आज इतना ही कल फिर मिलेंगे देखते रहिए वीकेमी न्यूज नमस्कार